हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर, वेयर ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई एक पोएम के बारे में। पोएम का नाम है मी। मी अमृता की एक पंजाबी पोएम है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। हम यहाँ पर उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन पंजाबी से इंग्लिश में वो पढ़ेंगे। इस पोएम में अमृता ने बताया है कि जब उनका जन्म हुआ तो सोसाइटी में किस तरह का माहौल था, किस तरह का एटमोसफेयर था। सोसाइटी बेटी के पैदा होने पर कैसा रिएक्ट करती थी, ये सब उन्होंने इस पोएम में बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे समरी चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर समरी बना के अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा, लॉट्स ऑफ कंटेम्प्रीज बट मी इज नॉट माई कंटेम्प्री। कंटेम्प्री का मतलब होता है जो सेम टाइम में हो। मान लीजिए मैं हूँ और मेरा नेबर भी इसी टाइम में, तो मैं कह सकता हूँ मैं और मेरा नेबर एक दूसरे के कंटेम्प्री हैं। ओके, इन लाइन्स में अमृता कहती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी हुआ करती थीं, पर अमृता खुद के जैसी नहीं थी, वे खुद के कंटेम्प्री नहीं थी। सेकेंड स्टैंजा, माई बर्थ विदाउट मी वॉज अ ब्लेमिश ऑफरिंग ऑन द कलेक्शन प्लेट, अ मूवमेंट ऑफ फ्लैश एम्प्रिजेंट इन फ्लैश। इन लाइन्स में बताया है कि जब अमृता का जन्म हुआ तो वे उनके खुद के बगैर हुआ। वे कहती हैं मैं बनकर पैदा नहीं हुई। मीन्स मैं पैदा तो हो गई लेकिन मुझ में कोई मैं वाली बात नहीं थी। मेरा खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई वजूद नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं पुण्य की थाली में कोई अपराध की निशानी हूँ। मतलब जब अमृता का जन्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई अपराध कर दिया है, क्योंकि बेटी पैदा हो गई है, पुण्य की थाली पर एक धब्बा लगा दिया है। थर्ड स्टैंजा, एंड वेन टू द टिप ऑफ दिस टंग ऑफ फ्लैश सम वर्ड्स कम्स इट किल्स इटसेल्फ। इन लाइन्स में कहते हैं यानी जब इस जुबान पर कोई भी बात आती थी तो वे बात या शब्द जुबान से बाहर नहीं आ पाती थी। यानी अमृता बताना चाहती हैं कि वे खुलकर अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाती थी। इट सेव्ड फ्रॉम किलिंग इट सेल्फ इट डिसेंड्स टू द पेपर वेर अ मर्डर हैपेंस। यहाँ बताया है कि जो शब्द या विचार जो कि जुबान से बाहर नहीं आ पाते थे, वे शब्द या विचार खुद को कागज पर उतार लेते थे। यानी शब्द बाहर आता ही नहीं था, और बाहर आता भी था तो लिखने के रूप में। अमृता अपने विचारों को लिख देती थी क्योंकि वे खुलकर बोल नहीं पाती थी, वे खुलकर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाती थी क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा था उस टाइम पर। फीमेल्स को उस टाइम पर ज्यादा आजादी नहीं थी बोलने की। गनशॉट, इफ इट स्ट्राइक्स मी इन हनोई इट स्ट्राइक्स अगेन इन प्राग। हनोई एक प्लेस का नाम है और प्राग भी एक प्लेस का नाम है। यहाँ कहते हैं यदि एक बार गनशॉट हनोई में चलेगी मेरे ऊपर तो वे गनशॉट दोबारा मुझे मारेगी प्राग में। अ लिटिल स्मोक फ्लोट्स अप एंड माय मी डाइज लाइक एन 8 month चाइल्ड। Will my me one day be my contemporary? यह अमृता कहती है कि एक 8 महीने के बच्चे की तरह मर जाता है मेरा में। मेरा में यानी my me से यहाँ अमृता का मतलब है यानी उनके अंदर जो भी ईगो है, जो भी आवाज उठाने की बात है, अपने बारे में सोचने के विचार है। फिर अमृता कहती है कि क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाऊंगी पेपर में लिखने के बजाय। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इस पोयम का, तो इस पूरी पोयम में बताया गया है कि जब अमृता हुई, एक लड़की पैदा हुई, तो ऐसा लगा जैसे कोई अपराध कर दिया है। उस टाइम पर फीमेल्स को बोलने की आजादी तक नहीं थी, इसलिए उस टाइम पर फीमेल्स मैं बनकर नहीं रह पाती थी। ऐसा एटमॉस्फेयर था कि फीमेल्स खुद का बोल नहीं सकती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछिएगा।